सुप्रभातम सर्वजगन्। आज गणित में अध्याय के संख्या ठीक अध्याय संख्या के संदेश में हजार का परिचय होगा। लेकिन क्षण पढ़ रहे हैं संख्या को सिखाई रहे संख्या स्थल तो हम पढ़ रहे किसी को बता दें। जैसे यहाँ पुस्तक में भी है पुस्तक को भी लिखेंगे यहाँ पर बताया। जैसे संख्या की परिचय एक अंक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या एक अंक जो सबसे छोटी संख्या एक और एक अंक सबसे बड़ी संख्या नौ। फिर उसी प्रकार दो अंक दो अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या दो अंकों की सबसे छोटी दस और सबसे बड़ी संख्या नहीं। तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या तो तीन अंक नहीं। तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या सौ और सबसे बड़ी संख्या नौ सौ नहीं मानते क्योंकि इकाई का संख्या बढ़ रही है। अब उसी प्रकार चिन्हों को भी देखते हैं ना। ये जो चिन्ह ऐसे आएगा ना ये बड़े का चिन्ह है और यहाँ जो चिन्ह आएगा वो छोटे का चिन्ह है। ये भाग का चिन्ह है ये गुणा का चिन्ह है ये धन है जोड़ा का चिन्ह है और ये है घटाना का चिन्ह और ये बराबर का चिन्ह है। उसी प्रकार एक अंक की छोटी संख्या एक बड़ी संख्या नौ दो की छोटी संख्या दस और बड़ी संख्या नहीं आएंगे। तीन अंक की सबसे छोटी संख्या सौ और सबसे बड़ी संख्या नौ सौ नहीं है। तो उसी प्रकार जानना है तो पुस्तक में है जहाँ जहाँ चिन्ह पुस्तक में मैं चिन्ह भी करूँगा और एक उसी को कार्य बनाएंगे। जैसे नौ नौ के बाद पूछेगा तो उसमें क्या कर दें एक जोड़ है नौ के बाद दस आता है जिसके बाद पूछेंगे उसमें एक जोड़ दें ठीक है। इसको कापी में अच्छे से लिखेंगे और जिसको जिसको राइट का चिन्ह करने बोलेंगे उसको कापी में लिखते जाएंगे पुस्तक में नहीं किया जाएगा।